दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन का से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ खास और नया बिंदु लेकर आया हूँ जो कि आपके रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस एग्जाम में अभी हाल ही में सबसे पहले बधाई के साथ आपको बताता हूँ 300-400 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सके, खासतौर से इलेक्ट्रिकल वालों के, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, जो की बहुत काम का होगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो की आपके लोकोपाइट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि अभी एक दो दिन में ही जो आपके पेपर है उनका बता रहा हूँ। अतः ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम आ सके। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या, ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर परिणामित्र की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो परिणामित्र या फिर अपना आता है अल्टरनेटर, क्या आता अल्टरनेटर। तो आपसे पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर या अल्टरनेटर की जो है रेटिंग किस में मापी जाती है या क्षमता किस में मापी जाती है, यहाँ पर बात करते हैं तो रेटिंग किस में मापी जाती है या क्षमता किस में मापी जाती है, तो क्या बताओगे आप यहाँ पर, किलो किलो के वी ए, किलो वोल्ट एम्पीयर में, किस में, किलो वोल्ट एम्पीयर। ध्यान रखना दोनों की, आपसे किसी से पूछ ले तो किलो वोल्ट एम्पीयर में आ जाएगा। इसके बाद ये पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताओगे म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बताओगे म्यूचुअल इंडक्शन। ध्यान रखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन को बोल सकते हैं हिंदी में अन्योन्यकरण, क्या बोलोगे अन्योन्य। आपसे पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है ट्रांसफॉर्मर की जो कंडीशंस आती है, तो ट्रांसफॉर्मर में जो है रिले का क्या कार्य होता है, तो रिले एक सुरक्षा युक्ति है, जो की सुरक्षा युक्ति, जो की आपके ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा ही ऑयल जब गर्म हो जाता हो तो उस कंडीशन में इसको क्या कर देती है, ऑटो बंद कर देती है, तो सुरक्षा डिवाइस है। इसकी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की बात करते हैं, तो यहाँ जो कंडीशन आती है दक्षता इसकी 98% होती है, और इसमें जो है आपके सर्वाधिक दक्षता होता है। ट्रांसफॉर्मर और जनित्र मोटर अल्टरनेटर किसी में भी जो है अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए बात करते हैं यहां पर आयरन, आयरन लॉस और आयरन लॉस, और यहाँ पर देखेगा ताम्र लॉस, मतलब यहाँ पर देखे बाद आयरन आयरन लॉस और इनका ताम्र कॉपर कॉपर लॉस क्या होता है, क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस केस में जो है आपकी अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त होगी, ये आपकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर हो या जनित्र हो या मोटर हो या अल्टरनेटर हो, इनकी जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग वाइंडिंग को अपन लेमिनेटेड क्यों करते हैं, लेमिनेटेड क्यों करते हैं, लेमिनेटेड का मतलब होता पटलित, पटलित क्यों किया जाता है, तो इसकी वजह आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ जो कंडीशन है जिसको बोलते हैं भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, यूं कह सकते हैं दोस्तों, तो भंवर धारा को बोलते हैं यहाँ पर एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, वहां पर वर्ड एडी करंट लॉस ज्यादा आता है, तो एडी करंट लॉस की बात करता हूं, तो इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। आपसे पूछा जाता है चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, जनित्र हो, अल्टरनेटर हो, इनकी जो है ना वाइंडिंग, वाइंडिंग की बात करते हैं, तो वाइंडिंग की जो बात करते हैं तो इसमें जो है लेमिनेटेड कर दिया था आपने एडी करंट, लेकिन जो है वो किसकी बनी होती है, तो बोल पूछा जाता है यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की, किसकी, सिलिकॉन स्टील की बात, ध्यान रखना सिलिकॉन स्टील की बात करता हूं, तो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसका हिस्टेरेसिस लॉस मतलब शैथिल्य गुणांक होता है, शैथिल्य गुणांक यूं कह सकते हैं, हिस्टेरेसिस जो है फैक्टर्स वो क्या होता है, क्या होता है, निम्न होता है, इसीलिए इसकी बनाई जाती है, तो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। यह कंडीशन है क्योंकि इससे शैथिल्य गुणांक कम होता है, इससे जो है ना शैथिल्य हानियां मतलब शैथिल्य लॉस जो होता है वो क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, इससे कम होता है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना है। इसके बाद और बात बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मर हो जनित्र हो अल्टरनेटर हो, इनका रोटर हो, स्टेटर हो, या आर्मेचर हो, या ट्रांसफॉर्मर की कोर हो, ये सारे के सारे सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, क्योंकि इससे शैथिल्य गुणांक क्या होता है, कम होता है, इसके कारण लॉस भी क्या होगा, कम होगा, शैथिल्य लॉस, यही कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ। जनित्र का आर्मेचर हो या मोटर का आर्मेचर हो, आर्मेचर की बात करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, अर्थात कितना होता है, 1 ओम, कितना होता है, 1 ओम। ध्यान रखना आपको कि ये जो होता है आपका कितना होता है, 1 ओम, जो कि कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेटर की बात करते हैं तो अल्टरनेटर की कंडीशंस में आपके कितनी स्लिप रिंग प्रयोग में लाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्लिप रिंग का मतलब होता है सर्पिल वले, देखिएगा स्लिप रिंग का मतलब होता है सर्पिल वले, और यही कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो अल्टरनेटर में है वो दो, देखिएगा यहाँ जो कंडीशंस आपके होती है वही, एक और होता है स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर में भी जो आपकी स्लिप रिंग प्रयोग में लाई जाती है, तो एक में तो आप समझ सकते हो 2 और 1 में 3 प्रयोग में लाई जाती है, ये कंडीशंस आपको क्लियर कर लेना है, दोनों में 1 में 2 और 1 में 3 प्रयोग में लाई जाती है, किसकी, स्लिपिंग मोटर और अल्टरनेटर का बता दिया मैंने 2-3। अच्छा बात क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद एक और स्पष्ट बात बताऊं आपको तो क्लियर और समझेगा। देखिए
अब बात करते हैं डीसी डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर का चाहिए आप लो या एसी जनरेटर का लो, इसका जो योक वाला भाग होता है जिसको बॉडी बोलते हैं वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। किसकी? कास्ट आयरन की। ढलवा लोहे की, अरे ढलवा लोहे की बनी होती है दोस्तों, ध्यान रखना किसकी? ढलवा लोहे की। इसके बाद कास्ट आयरन का लाभ बोल सकते हैं कास्ट स्टील। क्या बोल सकते हैं? कास्ट स्टील मतलब ढलवा इस्पात। ये कंडीशन आपकी होती है तो इसका बोल सकते हैं ढलवा इस्पात की बनी होती है। किसकी बॉडी? किसकी बनी होती है? ढलवा इस्पात की। ये आपको ध्यान रखना, चाहे जनित्र हो, अल्टरनेटर हो या फिर आपके क्या नाम से मोटर हो, सबकी कंडीशन सेम आपको मैंने बता दी है। यहाँ पर जड़ों पाव जो स्थिरता प्रदान करता है वो भी किसका बना होता है? यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशन है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का बना होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बताऊं तो मीटर जो होते हैं, मीटर अगर बात करते हैं तो आपका आता है एक मीटर जिससे बोलते हैं एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। एक आदर्श एमीटर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो जीरो, तो प्रतिरोध क्या होगा इसमें? जीरो। देखिएगा यहाँ पर वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापते हैं? अपन विभव मापते हैं। क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। ईएमएफ मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। ये कंडीशन है। और यहाँ पर एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। देखिएगा इसके जस्ट विपरीत कंडीशन होगी। धारा एवं धारा की दिशा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक और होता है जिसे अपन कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के द्वारा जो कंडीशन है आपको ध्यान रखना है, मल्टी नाम ही मल्टी है तो काम ही मल्टी होगा, तो विभव माप सकता है, धारा माप सकता है और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध भी माप सकता है। तीन चीजों को मल्टीमीटर माप सकता है। किसी भी मीटर के द्वारा एसी के हमेशा आरएमएस मान को मतलब 0.707 मैक्सिमम को ही मापा जाता है। तो ये आपका चाहे कोई भी मीटर हो, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट का जो है क्लियर बता दिया। यहाँ जो भी कंडीशंस है आपके एग्जाम में इनसे ध्यान रखना। आपके रेलवे में अर्थात ट्रैक्शन के लिए, अर्थात उच्च टॉर्क के लिए, ट्रैक्शन बात करता हूँ, ट्रैक्शन या उच्च टॉर्क के लिए, देखिए ट्रैक्शन या उच्च टॉर्क के लिए जो है अपने सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीरीज मोटर या सीरीज जनित्र का प्रयोग किया जाता है। दोनों ध्यान रखना, सीरीज जनित्र का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे की जो सिरोपरी लाइनें होती है, सिरोपरी लाइनों में 25 केवी यहां पर बात कर रहा हूं या फिर 25,000 वोल्टेज प्रवाहित होते हैं। कितने? 25,000 वोल्टेज प्रवाहित होते हैं, याद रखना आपको। वो भी कौन से? एसी वाले, अल्टरनेटिंग करंट वाले। ये कंडीशन आप रखना। वो लाइनें बनी होती है हार्ड ड्रेन कॉपर की, कर्षित कठोर तांबे की। ये ध्यान रखना आपको, हार्ड ड्रेन कॉपर की बनी होती है, जो कि आपको जानते हो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर भी जो है दिक परिवर्तक। क्या नाम? ध्यान रखिएगा, मैं फास्ट चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दिक परिवर्तक भी किसका बना होता है? हार्ड ड्रेन कॉपर का बना होता है। दिक परिवर्तक का यूज किसमें करते हैं? डीसी जनरेटर में। या कार्य क्या है इसका? धारा को एसी को डीसी में बदलना। एसी को किसमें बदलता है? डीसी में। तो ये कंडीशन से मतलब धारा को एक ही दिशा में, नाम दिक परिवर्तक, धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने वाला आपका क्या होता है? कम्यूटेटर होता है, जिसको दिक परिवर्तक कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा इसकी जगह जो है आपके एक होती है जो है दिक परिवर्तक किससे मिलकर बना होगा, ये ध्यान रखना। स्प्लिट रिंग, किससे? स्प्लिट रिंग से लेकर के मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं विभक्त वले। विभक्त वले से मिला होता है, विभक्त वले के जो समूह होता है, स्प्लिट रिंग का जो समूह होता है उससे कम्यूटेटर बना होता है। और स्लिप रिंग जिसमें प्रयोग मिलाई जाती है उसे अपन बोलते हैं सर्पिल वले। और उसके द्वारा जो आउटपुट प्राप्त करते हैं वो कौन सा प्राप्त करते हैं? एसी। चाहे आपका डीसी जनित्र हो, चाहे आपका एसी जनित्र हो, धारा हमेशा आउटपुट के रूप में हम किससे प्रयोग करेंगे? यहाँ पर एसी का। अब आपके देखिएगा जो डीसी जनित्र होता है, डीसी मोटर होती है, इनके जो ब्रश बनाए जाते हैं ब्रश, वो किसके बने होते हैं? ध्यान रखिएगा कार्बन के, क्योंकि कार्बन जो है ताप बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है इसमें? देखिएगा प्रतिरोध घट जाता है, आर जो घट जाता है, और चालकता क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी जी, चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यह कंडीशन आपके साथ हो जाती है। कार्बन के ब्रश बनते हैं, बड़े बड़े जनित्रों के जो ब्रश बने होते हैं वो जो है आपको बता देना चाहता हूं कि जो बड़े जनित्र होते हैं उनके कार्बन के साथ में आप तांबा भी मिला देते हैं। ये कंडीशन आपके साथ हो जाती है। देखिएगा जो जनित्र मोटरों में या अल्टरनेटर में सभी प्रकार के जो बेयरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं वो सामान्यतः जो होते हैं सामान्य कार्यों के लिए। यहां पर बुश
ध्यान रखना, बड़े कार्यों के लिए यहाँ पर बुश बेयरिंग के अलावा जो है आपके क्या होता है, यहाँ बड़े कार्यों के लिए अधिक बड़े होते तो रोलर बेयरिंग, कौन सा रोलर बेयरिंग, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। एक यहाँ पर ध्यान रखना बुश बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, और ये कंडीशन आपको ध्यान रखना ये बड़े कार्यों के लिए, किसके लिए, बड़े कार्यों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बुश बेयरिंग की जो कंडीशन आपके वो प्रयोग में लाया जाता है। एक और जो होता है सर्वाधिक यूज आता था वो आता बॉल बेयरिंग, जो सामान्य बड़े व अधिक कार्यों के लिए, यहाँ हाई स्पीड के लिए भी प्रयोग में ले लेंगे, लो स्पीड के लिए भी प्रयोग में लेंगे, सभी के लिए जो है अपन कौन सा लेंगे, बॉल बेयरिंग ध्यान रखना ज्यादातर। लेकिन बड़े स्पीड के लिए और अधिक भारी लोड के लिए जो है रोलर बेयरिंग प्रयोग में लाया जाता है। जिसे भारतीय रेलवे के पहियों में कौन से बेयरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं, रोलर बेयरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक एक चीज को आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके बहुत बड़े चैप्टर है जिनको मैं इन टाइम में नहीं पढ़ा सकता, परंतु मैं चाहूँ कि भाई आपको रामबाण के रूप में कुछ मिल जाए तो आपके लिए बहुत काम का होगा। दोस्तों आपको अगर टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल के 35% अंक प्राप्त करने हैं उसके लिए निःशुल्क नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुगल सर ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम पर जाकर रिसीव कर सकते हो, जिसमें आपका बहुत फायदा होगा, जिससे कि आपका रामबाण के रूप में हो जाएगा। और लोकोपाइट और साइको की तैयारी, लोकोपाइट में साइको की वो इंजीनियर की तैयारी करना था आप कोटा राजस्थान बता सकते हो। दोस्तों मेरा ये जो आपको अच्छा लगे वीडियो तो धन्यवाद होगा, शुक्रिया होगा, बहुत बढ़िया, इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।